हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आरुण। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि आपके रिश्ते का पास्ट और फ्यूचर, मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं निकालूंगी, प्रेजेंट हम रोज़ ही निकालते हैं तो इसलिए मैं प्रेजेंट निकालूंगी नहीं। तो प्रेजेंटली तो अपडेट होता ही रहता है, तो मैं चाहती हूँ कि देखें कि हम पास्ट में क्या हुआ था, क्या रीज़न थे, और जिसको रेक्टिफाई होके शायद फ्यूचर क्या बदल सकता है या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ होती है ना वो सारी चीज़ें, तो वो जानने की कोशिश करते हैं और एडवाइस कार्ड भी निकालेंगे इससे। तो देखते हैं विद पॉजिटिव नोट कि क्या हुआ था और क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। ओके, और इससे पहले कि कुछ और बात कि जो फेक कमेंट्स होते हैं जिसमें मेरा ही लोगो है, इसमें कहीं पे मेरा नाम अनीता वगैरह सब लिखा होता है, कि जहाँ पे पर्सनल रीडिंग की रिक्वेस्ट डाली जाती है कि आप यहाँ से पर्सनल रीडिंग लिख सकते हैं, आपका प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ वो मेरा नहीं है। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्रॉपरली मेरे वेबसाइट पर बुकिंग्स होती है आपका क्वेश्चन प्लेस होने के बाद, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द चैरियट, टू ऑफ सोर्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक है फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये है पास्ट, पास्ट पास्ट पास्ट। आपका बर्थ नंबर में या उनके बर्थ नंबर में, स्पेशली उनके बर्थ नंबर में 2, 4, 6, 7 एंड 5 ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्पेशली उनका साइन कोई एयर साइन हो सकता है, जैसे कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। स्पेशली कैंसर साइन हो सकता है, कैंसर या जून में बर्थ डेट हो सकता है उनका, वो फील हो रहा है मुझे स्ट्रांगली। एंड सेकेंडली फील हो रहा है कि इवन ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन या फिर एरिस लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो साइंस आई थिंक सभी है ना, पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, वैंड्स और कप्स, कप्स नहीं है राइट, इमोशंस, इमोशंस के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये एक्चुअली ये आप देखेंगे ना तो ये हमेशा ना प्रेजेंट रीडिंग में निकलते हैं, पिछले रीडिंग में नहीं थे। तो मतलब जो पास्ट की रीडिंग है ना उसमें इंटरेस्टिंगली कि वाटर तो है, यू नो इमोशंस है, और लेकिन कप्स एक्चुअली वो जो है ना वो मिसिंग है। तो इंटरेस्टिंग है कि पास्ट क्या था, पास्ट ये था, पास्ट में जो एक दिखा ना एक खूबसूरत रिश्ता, खूबसूरत रिश्ता बहुत, इसमें दो चीज़ें थी लाइक ना कास्ट, रिलीजन, कल्चर और थॉट प्रोसेस, लुक्स, हर चीज़ का इतना बड़ा डिफरेंस था ना, इतना बड़ा डिफरेंस कि अगर आज की तारीख में आप शांति से बैठे और पीछे मुड़ के देखें तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मैंने इस इंसान को पसंद कैसे किया था, या वो सोच रहे थे कि मैंने, मतलब हम लोग की जोड़ी जमी कैसे, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग आ सकती है। क्योंकि पता नहीं ऐसे इतने डिफरेंसेस है लाइक रिलीजन का डिफरेंस, कास्ट कल्चर का डिफरेंस, लुक्स का डिफरेंस, कहीं सोच का डिफरेंस, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस, इतने सारे डिफरेंस ना कि अगर प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचा जाए ना तो रिश्ता के बारे में सोचना भी, इस इंसान को एक अलग तरीके से सोचना भी आपके लिए लाइक ये ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग हो सकती है। तो उसी इंसान से पता नहीं क्यों आपका जैसे मिलना हुआ, और पता नहीं कब कैसे और किस बात पे अचानक से आपका कनेक्ट हुआ, दोनों का ही कनेक्ट हुआ, और ये रिश्ता कब प्यार में बदल गया, और सिर्फ प्यार में नहीं एक ट्रू लव में बदल गया,
स्पेशली आप ही की तरफ से, वो बहुत बहुत ज़्यादा एक हैरानी करने वाली बात है, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आप जिस तरह से पर्सन है ना, वो आप ऐसा लगता है ना कि आप भले कितना भी ऐसा लगे एक लोगों को कि आप सीरियस नहीं है, आप इतना बुद्धू है, सब कुछ है, कि आपको समझ नहीं है इमोशंस का, कि खास करके अभी जो आपके लाइफ की सिचुएशन चल रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, आपने कुल्हाड़ी पे पैर बकायदा रखा हुआ है, ऐसी लोगों को दिखता है। बट आपको भी हैरानी की बात होती है कि इस इंसान को मैंने पसंद ही कैसे किया, लेकिन ये रिश्ता जैसे ना एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह है, जो मिलना और बिछड़ना दोनों भी ज़रूरी था, स्पेशली मिलना, क्योंकि वो ही चीज़, वो कनेक्ट है ना, वो अटैचमेंट, वो जो प्यार है, वो कनेक्शन है, वो आपको अभी तक खींचता है, भले उनकी तरफ से कोई भी मूवमेंट ना हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी घूम फिर के यही वापस आना, जैसे आपकी तकदीर हो, और इसी तकदीर की वजह से आप जैसे ना हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हो, ऐसा लगता है कि कोई सर्कल है, ऐसा रास्ता ना कि आप इधर भी जाओ या उधर से जाओ या कोई भी रास्ता अपना लो, फिर भी आप वहीं पे आके रुक जाते हो, कितना कोशिश कर रहे हो, कितना चीज़ें कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कितने उपाय कर लिए, किसे रीडिंग्स ले लिया या फिर कुछ है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो पास में कैसा हुआ था कि आर्ग्यूमेंट्स लास्ट में बहुत गंदे वाले हुए, आर्ग्यूमेंट्स ऐसे गंदे वाले आर्ग्यूमेंट्स ना कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज, आप भी हैरान, वो भी हैरान, स्पेशली आप हैरान कि ये पर्सन ऐसे बातें कैसे कर सकता है, लास्ट मोमेंट पे आके मुकर कैसे सकता है, हो सकता है कि उनका कहीं ट्रांसफ़र हुआ हो, शिफ्टिंग हुआ हो, या कहीं एक टेम्पररी से ही एक शिफ्ट हुआ था, जिसकी बात सब कुछ जैसे बिगड़ने लगा है, या जिसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। ये जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है ना, वो तभी से शुरू हुई, धीरे धीरे से। पहले इस रिश्ते में बेहद ज़्यादा पैशन था, मतलब दोनों तरफ से आग बराबर लगी थी, लेकिन बहुत ही जल्द, खास करके कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी की वजह से, कुछ तो है लगना उनको कहीं फाइनेंशियली, या कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल लगता है, या पता नहीं क्यों ऐसे चक्कर में उनका, मुझे लगता ना कि कहीं पे उनका जो एक शिफ्ट हुआ, कहीं दूसरा ऑफिस हो, कहीं जगह हो, या कहीं से, तो उसकी वजह से, या कहीं पे दूसरी जगह पे जब रहने गए, या कुछ तो ऐसा हुआ कि शिफ्ट की वजह से इस रिश्ते में ना हल्की हल्की दरारें आने की बात, जो पहले जो पैशन था, पहले जो एक रोज़ कॉल होता था, ये होता था, वो सब कुछ है ना, धीरे 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 से फेड होने लगा, लाइक ना उसके एक छीनने लगा हर चीज़। आप इनसिक्योर होते गए, और आपके जो इनसिक्योरिटीज़ है, आपका जो एक परेशान हो रहा है, आपका कन्फ्यूजन है, वो ज़्यादा हवियर, उनको लग रहा था कि आप इरिटेट ज़्यादा कर रहे हो, आप सवाल ज़्यादा करते हो, आप हर चीज़ ज़्यादा कर देते हो, ये जैसे ना लगने लगा, उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते गए। ये बात आपको भी पता है कि आपको जो नज़र आ रहा था, वो उनको पता होते भी उस बात को वो छुपा रहे थे, डिनाई कर रहे थे, सब कुछ था, उसकी वजह से तो आपका गुस्सा बढ़ते जा रहा था, बहुत गुस्सा बढ़ते जा रहा था, और उसी वजह से आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता था, आपकी बिहेवियर से ऐसा कुछ चिड़ निकल जाती थी, और उसकी वजह से और भी लाइक ना आग में घी डालने जैसा काम होता था, और चीज़ें और बिगड़ती गई। कुछ केसेस में तो ना सिचुएशन अभी भी वही शुरू है, वही बात कोई पकड़ के बैठा है, कोई बात पकड़ के बैठा है कि आप ना ऐसे ही सोच रहे हो, आप ही ना आप ऐसे ही मतलब बात बात पे आर्ग्यूमेंट करते हो, या ना राई का पहाड़ बना लेते हो, खींच के रबर जैसा ना खींच के कोई चीज़ बता लेकर, लेकिन इनको अपना बिहेवियर नहीं दिखता था। इस बात का हाल ही में ऐसा लगता है कि गिल्ट है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे ना, वे कहीं कहीं से इधर से ही शुरू हुए थे, यहीं से कन्फ्यूजन और वो सब, लाइक ना क्या करे क्या ना करे, यही कन्फ्यूजन में ना वक्त निकल गया, एक ये हो गया, और बस इन्होंने ऐसा सोच लिया कि बस अभी वर्कआउट नहीं हो सकता। इन्होंने कुछ ऐसे ना और भी गलत बिहेव करना शुरू किया, या ऐसा कुछ हो गया, उसकी वजह से तो और भी चीज़ें बिगड़ती गई, और भी बिगड़ती गई। इनका जो एक थर्ड पार्टी का तरफ ज़्यादा बिहेवियर है ना, वो आज भी आपको चिढ़ देता है, लिटरली आपको चिढ़ देता है, कि ऐसा नहीं है कि आप कहते नहीं है, एग्जांपल के तौर पे कि पेरेंट्स हैं,
तो आप पेरेंट्स की बात ना मानो या पेरेंट्स का रिस्पेक्ट ना करो, प्यार ना करो, ऐसा आपका कहना नहीं है। लेकिन फिर आपका जो मतलब उनका जो एक्सपेक्टेशन है आपकी तरफ वो कहीं ज़्यादा है कि आप हर बात समझे। अब इतना मतलब आप पत्थर बन जाए कि आपके इसमें इमोशंस नहीं, ऐसे काइंड ऑफ, या फिर रोबोट बन जाए कि जो बटन दबाए तो ये इमोशंस, बटन दबाए तो वो इमोशंस, ऐसे एक्सपेक्टेशंस हो जा रही है, तो आपको फिर इस बात का तकलीफ ज़्यादा तकलीफ होते गए। द व्हील, द फ्यूचर, ये है द व्हील, एट ऑफ कप्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस और फाइव ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम डेक है द टेन ऑफ कप्स। अभी आप देखेंगे ना फ्यूचर क्या निकला है, खूबसूरत फ्यूचर एकदम बहुत खूबसूरत निकला है। और यहाँ पे रहता है ना तो ऐसा लगता है कि अंत भला तो सब भला, हालांकि नीचे टावर है लेकिन चीज़ें ना ऐसा है कि तूफानों के बाद सब कुछ बिखर जाएगा और एक नई चीज़ का, एक नए सिरे से, एक नई चीज़ मतलब पूरी तरह से बदल के एक नई नींव रखी जाएगी इस रिश्ते की, ऐसा फील हो रहा है। तो अन भला तो सब भला, ऐसी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और व्हील, एट ऑफ कप्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे अगेन फाइव टू नंबर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, टेन टेन की एनर्जी है, टेन टेन की एनर्जी है, और इट्स अ न्यू बिगिनिंग फील लाइक हो रहा है। हो सकता है कि आपको ट्रिपल टू एंजल नंबर या फिर मिरर एनर्जी नंबर, नहीं रिपीटेड एनर्जी नंबर, 10 10, 11 11, 12 12, ये एनर्जी नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो, ऐसी पता नहीं क्यों फील हो रहा है मुझे। तो अभी इस रिश्ते का फ्यूचर ये है, इस रिश्ते में जो हुआ क्योंकि वो एक कर्म का बंधन था, कहीं ना कहीं आपकी सोल के बीच में जो एक आप दोनों के सोल के बीच में जो एक सोल अवेयरनेस या फिर सोल की एक पर्पस या उसका एक ग्रोथ पर्पस, ये जो फाइंड आउट करने की प्रोसीजर थी ना वो बदलने वाली है, वो कहीं इम्प्रूव होने वाली है, तो उसकी वजह से आपको ये रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। ये जो रिश्ते का पैशन है ना, वो जो अट्रैक्शन वो ख़त्म हो गया है ना, वो वापस डेवलप होगा, क्योंकि अभी नसीब का भैया पहिया जो आपकी तरफ से उल्टी डायरेक्शन में घुमा था अभी आपके डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई जो आपको छोड़ के गया था अपने किसी पर्पस के लिए, अपने किसी मकसद के लिए, अपने मकसद के लिए नहीं कि आपसे बेहतर रिश्ता, आपसे बेहतर प्रपोजल, आपसे बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस, आपसे बेहतर लुक्स, आपसे बेहतर समझने वाला सो कॉल्ड, ये सब चीज़ें अभी वही नहीं होगी, फ्यूचर कुछ और होगा। ये फ्यूचर में ना बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेंगे। ये जो हर्मिट मोड है ना, ये स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का होता है, वो चीज़ उन्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। इनके लाइफ में जो टावर सिचुएशन गिरेंगे, जिससे आपने इस तकलीफ सहा, दर्द सहा, सब कुछ है, और उसके बाद जब आप बने हो, स्ट्रेंथ बने हो, माना कि अब तक फिर भी हिम्मत कभी कभी जैसे फुल मून न्यू मून डे पे जवाब दे जाती है, वैसा ही फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा कि जिस चीज़ को वो मान नहीं रहे, देख के अनदेखा कर रहे, वही चीज़ें उनके सामने बकायदा सामने खड़ी रहेगी और उनसे सवाल करेगी कि ये सब क्या है और क्यों है और क्या करना चाहिए, और वही चीज़ उनको सही प्यार का एहसास दे, उनके कर्मास का एहसास दिलाएगा कि उन्होंने क्या फैसले किए थे, कितने सही थे, कितने गलत हैं, और कितने सही होने चाहिए, क्या मुझे वो ठीक करना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए, इसकी तरफ उनका बढ़ावा होगा। हाल फिलहाल में उनकी सोच में बहुत ऐसा लग रहा है ना कि चेंजेस हो रहे हैं, डेफिनेटली अगस्त शुरू हुआ है एंड मेरी होप्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन झूठी उम्मीद नहीं, मेरी उम्मीद सच्ची है, क्योंकि जिनकी एनर्जीज़ मैं पकड़ रही हूँ उनके लिए मेरी उम्मीद अभी भी जागी है, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी आपकी उम्मीद रखिए, क्योंकि जो भी हो रहा है ना आपके लाइफ में वो एक कर्मा का पार्ट है,
इसलिए पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर कॉन्सेंट कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रूमिंग, हर चीज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब चीज़ें बदलेंगी ना, तब आपको उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना है. उसी के लिए सब चीज़ होती है, रीडिंग्स होती है. तो इन फ्यूचर इनका जो एक सर दर्द है ना, वो तो होगा. क्यों? क्योंकि ये इनको रियलाइजेशन होगा अपने कर्मों का. बहुत कुछ केसेस में ऐसा ना, लिटरली लीगल सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी बहुत बड़ी. इसके बाद लाइक नो कोर्ट मैरिज का हो सकता है, डिवोर्स की हो सकता है, ये सब डिसीजंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ है. क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि ये सारी सिचुएशन ज़रूरी थी, बस उस चीज़ को वो अनदेखा कर रहे थे. अभी लीगल सिचुएशन सामने वाली पार्टीज़ भी कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन ही करें. क्योंकि रिश्ते की समझ और समझदारी हर एक की अपनी 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 तरह से बढ़ती है. हो सकता है कि सामने वाले को, थर्ड पार्टी को ही ये रिश्ता मंजूर ना हो एक कुछ वक्त के बाद, तो वो सामने से ही छोड़ देते हैं. मान लीजिए कि इन्होंने आपसे बेहतर कोई किसी को प्रपोज किया था, बेहतर समझा था, लेकिन उस इंसान को शुरू में सब सही लगा, लेकिन आपके पर्सन उनको बाद में ही नहीं पसंद आया और वही छोड़ दे, तो फिर इसमें अलग ही तरह कैसा सिचुएशन रिजॉल्व होगी. इनको अपना सबक मिल गया, उनको अपना रिश्ता मिल गया. तो ये जो कार्मिक बंधन होते हैं ना, कुछ सबक सिखाना हो या लेसन सिखाना हो, ये ज़रूरी होते हैं. तो वो चीज़ें जब वो समझेंगे, उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, वक्त बदलेगा, तभी इनको एक्चुअली इमोशनल हैप्पीनेस का जब फील होगा ना, कि असली खुशी क्या है, असली मायने क्या है, रिश्ते के मायने क्या है, असली प्यार क्या होता है. असली प्यार सिर्फ वो नहीं होता कि भाई तुमने हाँ बोला, मैंने हाँ बोला और सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है. जो भी है, जैसा भी है, जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं और जिसे हम ग्रो करने की भी कोशिश करते हैं. आपने जब आर्ग्यूमेंट्स किए थे तो उनको गलत लगा, आपने जब उनको कोई सजेशन दिया तो गलत लगा, लेकिन आज उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है. कुछ इम्प्रूवमेंट करना, हमेशा टोकना किसी को शायद बुरा लग सकता है, लेकिन अभी उनको रियलाइज़ होगा कि वो टोकने की वजह से जो ग्रोथ होती है, कुछ चीज़ों में बदलाव होता है, वो भी ज़रूरी होता है. सब नहीं तो कुछ चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं. तो अभी रियलाइज़ जब होगा इन फ्यूचर, जब रियलाइज़ होगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है, जो है जैसा है, मैं जैसा हूँ, जैसे ही हूँ वैसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, बर्दाश्त भी कर सकता है, सुधार भी सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप में हैं. और इसीलिए ये जो सोल कनेक्शन है आपका, मुझे कुछ लोगों के केस में लिटरली ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स की वाइब दे रहा है रिश्ता, क्योंकि इतना ऊपर नीचे लाइक ग्राफ चलता है ना लाइफ का, तो वो उनके ही लाइफ में चलता है कि इतना दर्द भरा सेपरेशन और उसके बाद एक्सट्रीम खुशी वाला यूनियन, रीयूनियन, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं. इनका आपकी तरफ आना होगा, आपकी तरफ लिटरली एक प्यार का प्रपोजल होगा, भले आप मैरिड हो या जो भी सिचुएशन है, एक अलग तरीके से वो रिश्ते को समझेंगे और रिश्ते के लिए जो मेहनत करनी है, उन पहल करनी है, हर चीज़ उनकी तरफ से होगी, तो वो इमोशनल हैप्पीनेस वापस डेवलप होगा. तो मुझे कुछ लोगों के केसेस में लिटरली अगर शादी टूट रही है तो शादी वापस रिस्टोर होने के चांसेस, कोई शादी होने के चांसेस, तो कहीं पे एक अलग तरीके से एक इमोशनल बॉन्डिंग है ना, वो स्ट्रांग बनते हुए मुझे दिख रहा है. तो ये है इस रिश्ते का फ्यूचर जो पास्ट में खो गया था. कि बहुत खूबसूरत, देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइसेस हैं. क्रॉसिंग ब्रिजेस एक और, और फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल. सी फर्स्ट लाइट एंड आई फील लाइक इट्स अ सन की एनर्जी है एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल. मैंने कहा ना कि एक नई शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी एंड वो होकर रहेगी. एंड क्रॉसिंग ब्रिजेस इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग. मैंने कहा ना आपसे कि आपको हीलिंग, आपको जो हो रहा है ना उसे एक्सेप्ट करना है. बस अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए. कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग जो भी है, फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर ट्राई कीजिए, मैनिफेस्टेशन ज़रूर ट्राई कीजिए, सबसे बड़ी चीज़ मेडिटेशन ज़रूर ट्राई कीजिए. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो.
लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।